नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Oppo A59 5G वर्सेस Xiaomi Redmi 13C का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Oppo A59 5G में 6.45 इंच जबकि Xiaomi Redmi 13C में 6.61 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Oppo A59 5G में 2.96 इंच जबकि Xiaomi Redmi 13C में 3.07 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Oppo A59 5G में 0.32 इंच जबकि Xiaomi Redmi 13C में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। अब बात करते हैं वेट की तो Oppo A59 5G में 187 ग्राम जबकि Xiaomi Redmi 13C में 192 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि Oppo A59 5G से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Oppo A59 5G में 6.56 इंचेस जबकि Xiaomi Redmi 13C में 6.74 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Oppo A59 5G में 720x1612 और Xiaomi Redmi 13C में 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Oppo A59 5G में 84.46% जबकि Xiaomi Redmi 13C में 83.7% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Oppo A59 5G में 269 पिक्सल प्रति इंच जबकि Xiaomi Redmi 13C में 260 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Oppo A59 5G में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Xiaomi Redmi 13C की बात करें तो इसमें भी हमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में ऑक्सिलरी लेंस देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Oppo A59 5G में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Xiaomi Redmi 13C की बात करें तो उसमें 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले बात करें CPU की तो दोनों फोन में सेम ही 7 नैनोमीटर है। GPU दोनों फोन में सेम ही माली G57MC2 देखने को मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Oppo A59 5G में MediaTek Dimensity 6020 और Xiaomi Redmi 13C में MediaTek Dimensity 6100 प्लस मिलता है। बात करें RAM की तो Oppo A59 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB, 6GB की RAM मिलती है, जबकि Xiaomi Redmi 13C में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB, 6GB, 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Oppo A59 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Xiaomi Redmi 13C में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 128GB 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V13 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Oppo A59 5G में 2 कलर्स जबकि Xiaomi Redmi 13C में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं।
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो ओप्पो A59 5G में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 14,999 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 16,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें Xiaomi Redmi 13C की तो उसमें तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 13,299 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 13,656 रुपीस, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 14,499 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रांतर कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो ओप्पो A59 5G में 7 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Xiaomi Redmi 13C की तो उसमें 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में Xiaomi Redmi 13C आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Nokia C32 है, दूसरा Lava Yuva 3 Pro है, तीसरा Poco C65 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Poco C65 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।